दोस्तों एटू सर अरविंद अरोरा आप सभी जानते होंगे उनको, मगर अरविंद अरोरा से एटू सर बनने में कितनी मुश्किलों का सामना किया है उन्होंने ये कोई नहीं जानता होगा। तो दोस्तों आज हम उन्हीं की बात करते हैं। अरविंद अरोरा का जन्म राजस्थान के एक छोटे से शहर सूरतगढ़ में हुआ था। अरविंद के पिता एक दुकानदार हैं और उनकी माँ एक गृहिणी। दोस्तों अरविंद जी का पढ़ाई में मन शुरू से ही नहीं लगता था, उन्हें लगता था कि वो आगे चलकर अपने पिता की दुकान ही चलाएंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया, लेकिन उनके पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे फीस भर सकें। फिर अरविंद ने एजुकेशन लोन लेकर जयपुर के SKIT कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अपने इंजीनियरिंग के पहले वर्ष तो अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन दूसरे वर्ष में आते आते उनकी गिनती क्लास के बैक बेंचर्स में होने लगी। लेकिन तभी एक घटना ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। बात तब की है जब अरविंद एक होटल में खाना खाने गए थे, तभी उनकी नज़र पास के एक टेबल पर गई, जहाँ एक लगभग 35 से 40 वर्ष का आदमी और उसकी माँ ने खाना खाया और जिसका बिल लड़के ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने दिया। ये देखकर अरविंद को दिल पर चुभी और उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो भविष्य में उनकी भी हालत ऐसी ही होगी। उसके बाद अरविंद ने अपने आप को बदलने की ठानी, मन लगाकर पढ़ाई की और सिल्वर मेडल के साथ कॉलेज पास किया। कॉलेज पास करने के बाद उन्हें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मौका मिला और उसको ज्वाइन करने के बाद अरविंद अरोरा ने अपनी मेहनत और लगन से महज 2 वर्षों में चमका दिया। इतनी सफलता के बाद अरविंद को लगा कि अब सब सेट हो गया है, जिंदगी अच्छी कटेगी। तभी इंस्टीट्यूट के मालिक ने उन्हें धोखा दे दिया और उन्हें वहाँ से निकाल दिया। अब फिर से अरविंद वहीं आ गए थे जहाँ से शुरू किया था। उसके बाद अरविंद सूरत आ गए और पैसों की तंगी के कारण काम की तलाश में लग गए। अरविंद को एक जगह केमिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिला और उनके पढ़ाने के अलग अंदाज ने उन्हें सबका चाहता बना दिया। उसके बाद अरविंद अरोरा बेंगलुरु आ गए। वहाँ शुरुआत में उन्होंने अनअकैडमी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज अरविंद अरोरा एटू सर के नाम से फेमस है, जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों लाइफ में अगर सक्सेस पाना है ना तो मुश्किलों से डरना नहीं, सफलता अपने आप मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, अगर पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।